कैसे गुणगान करूं गुरु आपका, शब्दों की औकात नहीं, गागर में सागर भरना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जेठ बल जी ने गागर में सागर भरने की बात की है। इस चतुर्मास में कई ऐसे युवा हैं जो पहली बार गुरु भगवंतों से जुड़े हैं और ऐसे जुड़े कि उनका जन्म जन्मों का परिचय हो, यह इस चतुर्मास की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। मैं आगे निवेदन करूंगा, धनसुख जी मालू आगे पधारे, अपने विचार व्यक्त करें। पंच परमेश्वर की गुरु भगवंत के चरणों में मेरा कोटि सवंदन। पूज्य विनय की पर्याय वाची विवेक सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सवंदन। प्रखर प्रवचनकार प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सवंदन। जिनकी मधुर वाणी, जिनकी सज्जा और गीत हमेशा अलग अलग तरीके से हमको सुनने में मिले, पूज्य मैत्रीवर्धन सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सवंदन। तप और त्याग के तपस्वी जीतवर्धन सागर जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि सवंदन। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म, गुरु की महिमा अपरंपार है। मेरे ही जीवन में गुरु की महिमा बहुत ही, इस चतुर्मास में मुझे यह सौभाग्य मिला कि प्रथम बार मुझे अट्ठाई करने का सौभाग्य मिला और गुरुदेव हमेशा मुझे उत्साह और हमेशा मुझे बोलते आज तीसरा उपवास, आज चौथा उपवास, ऐसे करके मुझे हमेशा उत्साह और मेरा मार्ग प्रशस्त करते। विवेक सागर जी महाराज साहब हमेशा मुझे इसलिए प्रेरित करते कि करो तो खुद को पहचान, आत्मा क्या है, यह सब उनकी हमें सीखने को मिला। प्रसन्न सागर जी महाराज साहब जब भी जाता हमेशा मुझे बोलते भैया ऐसे तो बहुत कुछ बोल लेते हो लेकिन आपको कुछ आज बोलना ही पड़ेगा। मैंने बहुत मना किया महाराज साहब मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने बोला आपको बोलना ही पड़ेगा तो इसलिए मैं ये बोल पाया। इनकी कृपा और जो मुझे इस चतुर्मास में सीखने को मिला वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट रहेगा जो मैं मेरी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता। और ऐसा आशीर्वाद दो कि आप जहाँ पे भी जाओ आप हमेशा ऐसे ज्ञान की धारा जो बाड़मेर में बहाए वैसे ही आप आगे ही बहाते रहे। और बाड़मेर के लोगों को ये विनती है कि आप जल्द ही जल्द वापस बाड़मेर में चतुर्मास के लिए पधारे। हम सबका यही आपसे कर्तव्य निवेदन है। और व्यावच के समय मैं बहुत से घरों में गया यहाँ महाराज साहब के साथ, तो कभी मेरे वचनों से कुछ अशब्द या कुछ ठेस किसी को भी लगी है वह सभी से मैं मिच्छामि विक्रम चाहता हूँ। और इस चार महीनों में मेरी नादनियाँ और मेरे से जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो मुझे अपना नादान शिष्य मानकर मुझे माफ़ कर दें। गुरुदेव ये आपके विदाई और विरह की वेदना है, किसी की आंखें भीगी हुई है तो किसी का हृदय भीगा हुआ है। ये आपकी सरलता वात्सल्य और प्रेम का ही प्रतिफल है। अब मैं आगे निवेदन करूंगा, कपिल जी छाजेड़ आगे पधारे और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कपिल जी छाजेड़ पाठ पर विराजित गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज साहब के चरणों में मेरा वंदन एवं मेरी कम्युनिटी के सीनियर सीए जो कि अब सांसारिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहे प्रसन्न सागर जी महाराज साहब के चरणों में मेरा वंदन एवं अन्य साधु भगवंतों को मेरा वंदन। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा लेकिन मेरे जीवन का पहला ये चतुर्मास है जो मैं आराधना भवन में इस प्रांगण में आया हूँ। मैं कभी नहीं आता था, मंदिर के दर्शन किए चला जाता था। पहली बार विवेक सागर जी महाराज साहब और प्रसन्न सागर जी महाराज साहब की जो वाणी सुनी उससे प्रभावित हुआ और मैं यहाँ पे आया। विवेक सागर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में मेरे जीवन का पहला पोषण किया, वो मेरे जीवन का सबसे सुखी दिन था। जब मैं सीए बना उस समय इतनी खुशी नहीं हुई,
कुछ और वो मुझे पोषक के दिन मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक सागर जी महाराज साहब को जिन्होंने मेरे को इस मार्गदर्शन और प्रेरणा दी कि आप पोषित करें, एवं बहुत से मेरे जो समस्याएं थी, मेरे जो जिज्ञासु थी उसका हल किया विवेक सागर जी महाराज साहब ने। मुझे बहुत सा रात को 9 से 10 बजे जो स्वाध्याय होता था उसमें कंटिन्यू आया, उसका मार्गदर्शन दिया विवेक सागर जी महाराज साहब ने। एवं प्रसन्न सागर जी महाराज साहब ने जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह तो कर रहे हो लेकिन जीवन निर्माण करना सीखो। तो महाराज साहब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सीए की डिग्री जब मैं ली तो उसका मतलब यही समझता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन चारित्र आत्मा क्या होता है उसी का मतलब चारित्र आत्मा वो आपने सिखाया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। एवं विवेक सागर जी महाराज साहब से इस चतुर्मास के दौरान मेरे से कुछ भी नादानियाँ हुई हो, कुछ भी कहा हो, तो मैं इनसे मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। और पहली बार जो गुरुवंदन भी मेरे को विवेक सागर जी महाराज साहब ने सिखाया और उसका मैंने पहली बार जीतवर्धन सागर जी महाराज साहब के सामने सम्मुख बोला था, अगर उनसे भी कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। और इतनी बात को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, आज हर छोर हर कोर हर ओर से सबके मन मायूस है, आँखों में नमी है, कोई आपको विदाई देना नहीं चाहता, कोई भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सभी की ओर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा साहब नाम ही विवेक सागर जी जो विवेक से परिपूर्ण है, अब उनके बारे में क्या कहूँ, जीवन शुरू होता है विवेक से, विवेक है तो सब है, बिना विवेक के कुछ भी नहीं है, वैर भी नहीं कर सकते हैं। महाराज साहब सागर पर गंभीरा है बोलना है, आज महाराज साहब मैत्री बैठे जी महाराज साहब की याद आ गई, बोलना है पर मन भारी है। सूर्य को दिखाने के समान है आज मेरी सारी बातें, मेरे भाव सीमित हैं पर महाराज साहब असीमित है, जो मैं बातें कहूंगी वो मूल्यवान है लेकिन महाराज साहब अनमोल में अनमोल है, अनमोल में अनमोल रत्न है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ, जो मैंने पाया है वो मुझे मालूम है, मेरे परिवार पे मुझ पे बहुत कृपा की है। प्रसन्न सागर जी महाराज साहब असम अपनी प्रसन्न वाणी से जो भी अभी भैया ने बोला कि सीए है, सीए का मेन काम लास्ट मैनेजमेंट करना तभी वो सफल होता है, लेकिन आपने अपनी आत्मा का लास्ट मैनेजमेंट कैसे करना है क्या करना वो कर दिखाया। आप खिलाड़ी हैं महाराज साहब, कैप्टन, कैप्टन भी एकदम विशेष कैप्टन, और नेत्रीवर्धन जी महाराज साहब स्वाध्याय उनकी तो गूंज ही जैसे बच्चे जैसे उनके तो मतलब कानों में ही आवाज है, और महाराज साहब जिन्होंने जीत वर्धन जी संसार जीता है हम भी सीख रहे हैं कैसे संसार जीते, जीता नहीं जा रहा है क्या करें इस मोह के बारे में। और लास्ट में मैं यही कहूँगी महाराज साहब आप जब भी जाओ यहाँ से विदाई लेके आप हर हाल में मस्त रहें स्वस्थ रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं, आगे आपका विहार मंगलमय हो। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो यही रो पड़ूंगी इसलिए मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, हमारी गुरु दक्षिणा बस, और तो कुछ महाराज साहब को दे नहीं सकते, जब भी बोलते हैं महाराज साहब कुछ खपे कुछ ये क्या करके तो बोलते हैं नहीं, बस आप आगे बढ़ो अपनी आत्मा का कल्याण करो बस यही बोलते हैं। और मैंने कोई दो चार पॉइंट बनाए थे जो इन्होंने बोल दिए तो मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगी, हम तो एक ही हैं वैसे। तो महाराज साहब गुरु दक्षिणा में बस यही महाराज साहब ने बोला कि पर्थी का स्वामा बस एटलुज बस, बस मतलब इनफ और कुछ भी नहीं आगे, मैं इसको अपने जीवन में लाने का पूरा पूरा काम करूंगी चरितार्थ करूंगी, बस यही भावना है महाराज साहब जी, गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं दे सकते बस ये पक्की बात है। और महाराज साहब जी को हम महाराज साहब जी को बोलते हैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन महाराज साहब हमको बोलते हैं भले और भोले लोग हैं, हम भले और भोले लोग तो हैं पर महाराज साहब जी जो जैसा होता है उसको वैसा लगता है, भले भोले हम नहीं आप हैं भले और भोले लोग, इसके से सीधी रेखा खींचते हैं वो भी कभी कभार टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आप इतने सरल और सीधे हैं इतने सहज हैं कि बस भले और भोले तो हैं कभी आप हमें कहते हैं,
करके, ठीक है, आत्मा को माना है, लेकिन आत्मा की पहचान, आत्मा में और उतरना है जाना, इसके लिए नेक्स्ट चतुर्मास चाहिए। सारी नगरी एक बार बाढ़ में बार बार, सारी नगरी एक बार बाढ़ में बार बार, आशा जी ये मत भूलना कभी भी, वापस रिटर्न पक्का आना है, यही गिफ्ट होगी हमारे लिए सबसे बड़ी। और आशा जी इसके यही बोलने वाले थे, वहां से रुकिए ना, और है ना वेट, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच करेंगे हम सभी इसके लिए। दो लाइन, जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। जीतू जी तातेड़ आगे पधारे, आप इतने सेवा भावी हैं, सदैव चार महीने कोचरी में गुरुदेव के साथ पधारे, और इनकी टीम में धनसुख जी और भी दो चार लोग थे, सदैव कोचरी में चार महीने साथ पधारते थे। मैं निवेदन करूंगा जीतू जी तातेड़ पंत परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन, पाठ पर विराजमान गुरु भगवान जो उनके नाम से ज्यादा उन गुणों की खान है, उनके चरणों में मेरा कोटि से भाव भाव वंदन। सर्वप्रथम मैं चतुर्मास कमेटी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये चतुर्मास की व्यवस्था रखी और हम लोगों को गुरु भगवान से मिलने का मौका मिला। इस पल को, इस समय को हम लोगों ने जिस तरह से उपयोग किया उसका हमें बहुत आनंद मिला। चतुर्मास कमेटी इस कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए अनुमोदनीय, आपकी बारंबार अनुमोदना। सुनकर गुरुवर वाणी आपकी, हम विवेक को अपनाएंगे, कर प्रशम अपने भावों को, जीवों से मैत्री जगाएंगे, जीत कर कसाए अपने परम पद को हम पाएंगे, परम पद को हम पाएंगे। गुरुवर हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि ये जो आपने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम जिंदगी में अपने भविष्य के सुधार के लिए अपनाएं और जल्द से जल्द परम पद को प्राप्त करें। चतुर्मास कमेटी इस कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए अनुमोदनीय, आपकी बारंबार अनुमोदना। सुनकर गुरुवर वाणी आपकी, हम विवेक को अपनाएंगे, कर प्रशम अपने भावों को, जीवों से मैत्री जगाएंगे, जीत कर कसाए अपने परम पद को हम पाएंगे, परम पद को हम पाएंगे। गुरुवर हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि ये जो आपने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम जिंदगी में अपने भविष्य के सुधार के लिए अपनाएं और जल्द से जल्द परम पद को प्राप्त करें। सही में मुझे ऐसे लग रहा है, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं सब क्या करूँ। ऐसे तुम्हारे सब जब लिखने बैठी तो मेरे 15 पेज भर गए, अभी मुझे लग रहा है मैं बोलूँ क्या। धन्य है जीवन आपका, धन्य धन्य है जीवन आपका, आत्मा का श्रृंगार किया, जीव वाणी की अमृत वाणी से जन जन का कल्याण किया, हृदय गम कर शास्त्र ज्ञान को जिन शासन चमकाया है, अहो भाग्य से हम सबके जो ऐसे गुरु को पाया है, ये संत बड़े निराले हैं जिन शासन के उजियारे हैं, इनकी महिमा का क्या कहना, ये तो हम सबको तिराने वाले हैं। चलते फिरते तीर्थ है, दर्शन मंगलकारी है, ऐसे गुरु के श्री चरणों में वंदन बारंबारी है, ऐसे वीर के कोई नुरों को वंदन बारंबारी है, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदना, हमारी आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना, समस्त चारित्र आत्माओं को वंदना, परम पूज्य अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी मरसा, मनीष प्रभु सागर जी मरसा के चरणों में वंदना। अत्र विराजित गुरु भगवान जो प्रभु की आज्ञा का अनुसरण कर आचरण की आभा है,
जिनके प्रवचन में प्रवचन माता की प्रभा है, जिनके रोम रोम में परमात्मा और गुरु का स्मरण है, चर्या में गुरु आज्ञा का बहुमान है, जिनके अंतर मन में जगत के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव और करुणा झलकती है, ऐसे सरल स्वभावी मधुरभाषी एनी टाइम फेस पर स्माइल रहने वाले महाराज जी, जब भी मैं आराधना मन में आई ना तो मुझे सिर्फ आपकी स्माइल ही दिखती थी, जब भी मैं ऊपर आती थी तो मतलब बस महाराज की स्माइल देखने के लिए, मतलब महाराज कैसे इतना स्माइल कर लेते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय बड़े महाराज विवेक सागर जी महाराज के चरणों में वंदना। प्रवचन का स्वाध्याय प्रेमी स्वाध्याय कराने के लिए एनी टाइम तत्पर रहने वाले आत्मलीन स्वभाव सेवा भावी प्रसन्न सागर जी महाराज, मैत्री वर्धन सागर जी महाराज, जीत वर्धन सागर जी महाराज के चरणों में वंदना। मेरे शब्दों में और वाणी में मुझे नहीं लगता इतना सामर्थ्य है कि मैं इस चातुर्मास की और गुरु भगवंतों की व्याख्या कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एमकॉम में 91% नेट क्लियर किया तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं जितनी खुशी मतलब सुबह की स्वाध्याय क्लास प्रवचन और दोपहर की क्लास में होती थी। अगर मेरा एक दिन भी आज की मेरी क्लास छूटी तो मुझे इतना फील हो रहा था कि मतलब जिंदगी से मेरा सब कुछ छूट रहा है जी। मतलब मुझे 14 ईयर्स हो गए मतलब धर्म से जुड़े, पर पहली बार जो मुझे इस चातुर्मास में वास्तव में पहचान ली कि कैसे जीना है, स्वयं की पहचान, आत्मा, समय, मुझे लग रहा है ये सब मैंने सुने ही पहली बार है। इतनी चीजें सीखने को मिली और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ छूट रहा है। मतलब प्लीज आपसे विनती है कि नेक्स्ट चातुर्मास आप यहीं पर करें और बहुत जल्दी से जल्दी बाढ़ में रहें। बड़े मन सब पूछते थे कि आपने इस चातुर्मास में क्या खोया और क्या पाया, सिर्फ पाया पाया और पाया ही है, बस इसकी व्याख्या तो सुबह से शाम गुरु तो भी कम हो जाएगी, पर गुरुवर आज हम क्या खोने जा रहे हैं ये हमारा हृदय और मन से पूछो। ऐसा लग रहा है कि लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट ही अलग हो रहा है, फैमिली से कोई मेंबर जा रहा है, आज से ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष हम सबको छोड़कर निर्मोही बनकर अपने पड़ाव के लिए जा रहे हैं। चारों ही मारे सब बाड़मेर वालों के दिल में इतना समा गए है कि अब बिछोड़ने का दर्द ही सहन नहीं हो रहा है, पर आपको कैसे रोके ये समझ नहीं आ रहा है। दूध में चावल मिले तो खीर बन जाती है और आप जैसे गुरु मिले तो तकदीर हो जाती है। मारे सब रोज एक आध्यात्मिक भजन सुनाते थे उसके लिए तो मतलब ये वेट एंड वॉच बाड़मेर के भले बोले रोगे तो पता नहीं मजे वर्ड हम भूल ही नहीं पाएंगे, और प्रजम वाणी तो लोगों के दिलों में इतनी बस गई है जो भी मिलते हैं वो बस यही बोलते हैं कि सोनू महाराज साहब कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया हुआ कौन हंसते ही रहे। महाराज साहब अपने प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से दिन में स्तवन क्लास के माध्यम से जब भी आते थे मतलब इतनी ज्ञान की वर्षा की, पर हम बाड़मेर के भले बोले लोग पता नहीं उसको कितना ले पाए। आपने जो 18 पाप स्थान तत्व ज्ञान सम्यक पर्युषण दिवाली प्रवचन के माध्यम से सहज पापों की निवृत्ति कराई, शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होते हैं, कुछ भी करने से वास्तव में वो मेमोरी में आ जाता है। वास्तव में निजानंदी चातुर्मास याद रखेगा बाड़मेर, हमें पहली बार आभास हुआ कि आत्मा और शरीर अलग है। सही में मुझे तो लग रहा है कि मैं 14 साल से धर्म से जुड़ी हूँ पर मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था, हमारे साथ ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम सबको जल्द से जल्द समय की प्राप्ति हो उसके लिए आपने हमें देव गुरु धर्म का शरणा दिया, यही मोक्ष मार्ग की प्रथम सी। जब गुरु भगवान पाठ पर विराजकर अपने ही श्रीमुख से जिन वाणी की अमृत बरसाते थे, प्रवचन फरमाते थे, तब इनकी वाणी और चेहरे का ओजस्वी अद्भुत इतनी मोहक होती थी, तब मुझे तो मतलब ऐसा ही आभास होता था कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, पता नहीं मुझे तो गुरु में भी भगवान नजर आने लग गए हैं। कांटों की सेज है, चेहरे पर तेज है, संयम का ओज है, साधना की मोज है। अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ और गजब की जागृति भी है। बुद्धता ऐसी है कि भक्तों की हर समस्याओं का समाधान बड़े सुंदर और सरल तरीके से कर देते थे, और साथ में ये भी फरमा देते थे कि बाड़मेर कितना भला भोला लोग है। हमारे साथ के जब लाइन बोलते थे ना तो सबके चेहरे पे शायद 6 इंच की स्माइल आ जाती थी। सच में ये गुरु भगवंत तो धरती के कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष तो मांगने पर कुछ देते हैं
लेकिन ये गुरु भगवान तो बिना मांगे ही इतना ही बांट रहे। सचमुच ये गुरु भगवान हमारे जिन शासन के चिंतामणि रत्न है, प्रतिभा के धनी है। इनकी वाणी में कोमलता, सरलता, सार्थकता झलकती है। कंठ में सरस्वती माता का वास है। सबसे बड़ी बात तो दिल में उतरी कि हमें किसी भी साधु संत की मतलब कोई भी ऐसे कुछ बात करते तो हमारे साहित्य बोलते थे कि कभी भी साधु संत की निंदा नहीं करो। मतलब उनमें मैंने ये चीज देखी है कि चाहे उनके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है पर उनको कोई ऐसे भाव ही नहीं आते थे। पता नहीं मारे साहब इतनी अच्छाई कहाँ से आ गई है। जब मैं मारे साहब मेरा बताऊँ तो वास्तव में मुझे स्वयं में मेरे घर में इतना परिवर्तन नजर आ रहा है कि इतना सब कुछ बदल गया है। मतलब मेरे जीवन के दो मूल मंत्र अपना लिए, समता और प्रेम, वास्तव में वो प्रैक्टिकल में आ रहा है। हमारे सब रिक्वेस्ट है कि जो बीज आपने बोए उसका सिंचन करने के लिए पुनः पुनः अपने गुरु भगवंतों के साथ आपको पधारना है। ये सुपारिश मैं सोहन जी अंकल से करूंगी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि ऐसे गुरु भगवंतों को लाकर हमारे जीवन में आपने इतना बदलाव लाया है। अभी भी आपसे वापस यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट 5 मंथ का चातुर्मास है, आप बड़े गुरु महाराज को बाड़मेर लाने की विनती करें। आपकी यादों के चिराए हमारे दिल में जलते रहेंगे। दर्द ये है कि आपके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। डाली नहीं होती तो फूल लटकते रहते। अरे आप जैसे सदगुरु नहीं होते तो हम भटकते रहते। पूरे भारत में बाड़मेर के चातुर्मास के चर्चे थे और मारे से मैंने हर संडे के कार्यक्रम की एक चीज नोटिस की, हर प्रोग्राम के कुछ टाइटल होते थे, वो हर संडे बहुत याद आएंगे। वो सैतून जी की भाव यात्रा 18-20 से पूर्व वक्ताओं ने इतना कुछ बता दिया है कि मुझे मैं क्या बताऊं। एक और एक चीज नोटिस की, आप सब अलग अलग घरों से होते हुए आपको जो प्रेम देखने को मिलता था वो वास्तव में लाजवाब है। कभी कभी तो मुझे लगता था बड़े हमारे से कौन है। हर कार्य एक दूसरे को पूछ कर करना और बहुत कुछ देखने सीखने को भी मिला। एक छोटी सी टाइटल लाइन है कि बड़े महाराजा के आशीर्वाद से छोटे छोटे महाराजा, बड़े महाराजा के आशीर्वाद से छोटे छोटे महाराजा ने बाड़मेर में किया बड़ा धूम धमाका। इन 4 महीनों में मेरे घर जाने अनजाने में से कुछ भी आपने काम बोला हो उसमें अगर मेरे से मिस्टेक हुई हो, मुझे पता है 100% मेरे से मिस्टेक हुई है, मुझे अपना समझ के माफ कर देना। और परमात्मा और सासन माता से प्रार्थना करूंगी कि इनका विहार निर्विघ्न और सहायतापूर्वक हो। ओ मार गुरु तन जोई ने एक कहु परमात्मा नो रूप। ओ मार गुरु अंतर ती आजे एक परमात्मा नो रूप जो पर दीपक जी गोरा आगे बता रहे हैं। चरणों में भगवान महावीर क्या थे, वो कितने बड़े थे, वैज्ञानिक थे, सब स्वाध्याय के माध्यम से जानने को मिला। सच्चा सुख का मार्ग क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है, दुख का कारण क्या है, ये सब हमने श्रमण के माध्यम से पढ़ा। गुरु के बारे में क्या कहूँ, जब भी किसी के चरणों में झुको तो तन मन के साथ साथ मन से भी झुको, झुका दो मन को भी झुका दो। याद रखो कैरी जब तक अकड़ी हुई रहती है, जब तक कच्ची और खट्टी बनी रहती है, पर वह जैसे ही झुकना शुरू होती है कि आम बनकर मिठास से बढ़नी शुरू हो जाती है। आम बनकर अंत में यही कहना चाहूँगा, श्री संघ से और ट्रस्ट मंडल से यही प्रार्थना है, कामना करता हूँ कि आने वाले समय में भी बाड़मेर श्री संघ में स्वाध्याय ज्ञान वृद्धि हो सके, ऐसा चतुर्मास करवाए। जय जिनेन्द्र। जब भी किसी के चरणों में झुको तो तन मन के साथ साथ मन से भी झुको, झुका दो मन को भी झुका दो। याद रखो कैरी जब तक अकड़ी हुई रहती है, जब तक कच्ची और
खट्टी बनी रहती है। परवा जैसे ही झुकना शुरू होती है कि आम बनकर मिठास से बढ़नी शुरू हो जाती है। आम बनकर अंत में यही कहना चाहूँगा, श्री संघ से और ट्रस्ट मंडल से यही प्रार्थना है, कामना करता हूँ कि आने वाले समय में भी बाड़मेर श्री संघ में स्वाध्याय ज्ञान ज्ञान वृद्धि हो सके, ऐसा चतुर्मास करवाए। जय जिनेन्द्र। जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो, गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, किन से पछकान लेंगे किन से व्याख्यान सुनेंगे, पाएंगे जिज्ञासा हम किन से गुरुवर किस से गुरुवर, घर अपने किसे बुलाए गोचर किन को लाए, पाएंगे वैया बच वाला किन से गुरुवर किस से गुरुवर। रग रग में तुम बसे हो फिर भी रुला रहे हो, गुरुवर छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून तू ही तो मेरी। बस दो लाइनों के साथ कहना चाहूंगी, सबने सुना है कि वो खूब तने जाऊ छू मारा वाला प्रभु, तो मैंने वैसे थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से लिया है, थोड़ा खुद ने डाला है। वो खूब तने जाऊ छू मारा वाला गुरु, मारा दिल मातुर में छे कामण गारा गुरु, वो खूब तने जाऊ छू मारा मारा दिल मातुर में छे कामण गारा गुरु, सुनी सब कितवानी आत्म चिंतन हुआ, सुनी सब कितवानी आत्म चिंतन हुआ, हूँ मंत्री कहूँ छु तन थैंक यू गुरु, हूँ मंत्री कहूँ छु तन थैंक यू गुरु, हूँ महेश्वरी भगवान के चरणों में कोटि से वंदन, पाठ गजित चारित्र आत्मा को चरणों में कोटि से वंदन। मैं ऐसे तो मैं अपने उस दिन में क्या पहले मैं बहुत चतुर्मास में आया था, लेकिन इतना मैं पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ पाया हूँ। एक बार क्या है, मैं पूजा करने आया था महात्मा भवन में, पहले मैं कभी ज़्यादा रेगुलर नहीं था पूजा करने, तो आया था मास्टर जी बार बैठे रहे हैं, मास्टर जी ने पूछा मेरे को कि नाम क्या है, क्या राहुल, तो मास्टर जी का मेरा नाम भी पहले राहुल था संसारी में, तो उसके बाद मास्टर जी ने मेरे को कहा कि शादी में आओ परिवर्तन में आओ, तो धीरे धीरे मैं वहाँ आने लगा, मन लगने लगा, फिर धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म में मैं अभी मैं उसके बाद में गोचरी में जाने लगा, माता जी का ट्रिप देने लगा, और धीरे धीरे फिर मेरे धीरे धीरे लगाव हो गया, फिर मैं शिविर बहुत और वैसे को बहुत सारे कार्य मैं पहली बार की, जैसे मैंने पोषण मैंने पहली बार स्टार्ट किया, इस बार तीन मैंने पोषण लिए, और अम्बी भी मैंने दो बार किया, इसमें पहले मैं कभी मैंने कभी मैंने नाम भी लिया ना पोषण लिया ना मेरे को पता था क्या क्या कैसे करते हैं क्रिया, मार्शल जी ने मेरे को सही से समझता है कैसे करते हैं ऐसे करते हैं, और इनके बारे में दो मैं
ऐसा संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना कर्क में डूबा रहे, ऐसा संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। अब पहले लोग क्योंकि गुरुवर से जुड़ा नहीं और नहीं किसी से, दादा मैं नहीं चला, मतलब मंदिर के दर्शन किए और यहीं से निकल गया, किसी वंदन करता ना करता गुरुवर से मिलता जाता। एक पहली बार मेरा 4 महीने में कंटिन्यू में आया हूँ, गुरुवर से मिला हूँ, हर कार्यक्रम में मेरे को लाभ मिला है। इस बार मैं इंद्र भी बना, कुछ कार्यक्रम मेरे को भाग लेने का मौका मिला। इस बार छड़ी बाल संघ पंच कल्याण में मेरा भी कोई रोल रहा, कई कई रोलों में मैं भाग ले पाया गुरुवर की कृपा से। और कुछ मैं अगर बोलने, और किसी के घर में जाके किसी गोचे समय कुछ हो चुकी है, टूट हो चुकी हो तो इच्छा में टुकड़ा हूँ, ठीक है। और मास्टर जी आपसे तो कभी गोचर वाणी में हम कभी भूल हो गए, हम किसी बता के जाते थे तो वो उसके लिए थोड़ा अच्छा में टुकड़ा हूँ, पूरा विचार लूँ कि हम अगर व्यवस्था करते थे आगे, कि हम पहले कह रहे कहते थे कि घर को कभी क्या बिना के जाते थे, गोचर नहीं मिलते थे, उसका भी हमें दोस्त लगता था कि हमें नहीं मिली, हम नहीं व्यवस्था कर पाए, तो वो व्यवस्था करने को हमने कहा किसी को कि गली में ये गली है, तो उसके लिए तो हम इच्छा में टुकड़ा, और किसी से कुछ कहा हो और कहा हो तो उसमें इच्छा में टुकड़ा। पंच परमेश्वर परमात्मा के चरणों में पुष्प वंदन, परमात्मा के अंश वंशज इसे कोटि से वंदन। मैं क्या था, क्या हूँ और कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे पहचाना। मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा मार्ग है मोक्ष, ये बताया आपने, ये आपका परम उपकार। और आपने बोला कि मोह का क्षय करना, तो मोक्ष को पाना है तो मोह का क्षय करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपसे मोह गलत नहीं है, आपका मोह ही है जो हम सब यहाँ बैठे, तो मोह गलत नहीं है, आपसे मोह अच्छा है, संसार से मोह गलत है, मैं ये बोलता हूँ। चंद्र प्रकाश छाजेड़ आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखे। चंद्र प्रकाश छाजेड़। धरती अंबर गूंज उठे, धरती अंबर गूंज उठे गुरुवर के जय नादों से, धरती अंबर गूंज उठे गुरुवर के जय नादों से, प्रणाम इन्हें मैं करता हूँ, प्रणाम इन्हें मैं करता हूँ, श्रद्धा के दोनों हाथों से, श्रद्धा के दोनों हाथों से। एक बार आदरणीय गुरुजी श्री दादर साहब ने फरमाया था, गुरु कैसे होते हैं, मैं उनकी पंक्तियाँ ले रहा हूँ। भौतिक गुरु रोजी रोटी का साधन के बारे में बताते हैं, उनके कमाने का उपाय बताते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारी आत्मा का उत्थान कैसे हो, हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कैसे हो, और समर्थ गुरु वही होते हैं जो हमारी आत्मा को स्वयं अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं और हमारे जैसे बाल अबोध जीवों की आत्मा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन नमन। श्री कांसा उज्ज्वल आपका, श्री कांसा उज्ज्वल आपका व्यक्तित्व, सम्यक गुणों से संचित आपका चरित्र, विनय विवेक का अमूल्य भंडार है आप, विनय विवेक का अमूल्य भंडार है आप, प्रसम रस रूपी सम्यक ज्ञान की जलती हुई मसाल है आप, प्रसम रस रूपी सम्यक ज्ञान की जलती हुई मसाल है आप। मैत्री भावना भाकर राग द्वेष को गलाना है, मैत्री भावना भाकर राग द्वेष को गलाना है, जीत कर इंद्रियों को निजानंद को पाना है, जीत कर इंद्रियों को निजानंद को पाना है, नमन है हमारा आपके अद्वितीय ज्ञान को, ऐसे ही मिलता रहे आपका सानिध्य हमको। कुमार्ग से सन्मार्ग का पथ आपने बताया है,
कुमार्ग से सन्मार्ग का पथ आपने बताया है, कुमति को आपने प्रवचनों के माध्यम से सुमति बनाया है, सत सत वंदना है इस श्री संघ की आपको, अहोभाव जाग उठा है, भाग्य नमन आपको। 4 महीने का ये चातुर्मास आपको और हमारे को प्राप्त हुआ और इस चातुर्मास का मुख्य बिंदु चाहे स्वाध्याय हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे कोई भी चर्चा हो, मुख्य बिंदु यही रहा कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति आप और हमें कैसे हो। हमारी जो अनादिकाल से जो मिथ्या धारणा, मिथ्या भ्रम, मिथ्या कल्पनाएं हमारे अंदर चल रही है, उनको हम कैसे दूर करें और अपनी आत्मा को उस सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश पुंज में लीन करें। इन 4 महीने के दौरान, 3 वर्षों के दौरान जो ट्रस्ट मंडल ने मुझे दायित्व सौंपा, उसके लिए मैं ट्रस्ट मंडल का खूब खूब आभारी हूँ। मेरे द्वारा, मेरी गतिविधियों के द्वारा सूचनाएं आप तक पहुँचाने में किसी प्रकार की कमी रही हो तो उसके लिए मैं सकल संघ से मिच्छामिदुक्कड़म करता हूँ और पूजनीय गुरु भगवंतों से भी मेरे वाणी से, व्यवहार से, वर्तन से किसी प्रकार की आपकी अवहेलना हुई हो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना मिच्छामिदुक्कड़म करता हूँ। जैसा नाम है चंद्रप्रकाश, ऐसी शीतल इनका स्वभाव भी है। जब कभी कोई कार्यक्रम था, उसकी सुंदर रूपरेखा, उसका सुंदर प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से एक आकर्षण भी रहा कार्यक्रम का, उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहा। आज आप ऐसे ही मेहनत आगे बढ़ रहे हैं, जिन शास्त्र की सेवा में, आपकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, इससे आपकी शुभकामनाएं हैं। 15 साल से मैं धर्म से जुड़ी हूँ, लेकिन 47 की हो गई, पहली बार ये एहसास हुआ कि आत्मा और शरीर अलग है। पहली बार लगा इस स्वाध्याय से कि नीति के बारे में, न्याय के बारे में, नव तत्व के बारे में, सम्यक ज्ञान दर्शन के बारे में जो सुना समझा, ऐसे सोचेंगे कि हम अपने दिल में से उतारेंगे उस हाथ का प्रवचन 18 पाप स्थानक, इन सबको सुनकर पापों से बहुत डर लगने लगा है। मैं कभी यहाँ नहीं आई कि मैं कभी बोली हूँ, फर्स्ट बार बोलने में मेरे से अगर कुछ बोलने में भूल हो गई तो मुझे मिच्छा में दुकड़म 18 पाप स्थानक ये प्रवचन पूरा अर्थ सही समझा, कल्पसूत्र अर्थ सही सुना, गौतम दास अर्थ सही सुना। पहली बार ऐसा लगा कि जीवन में कुछ है ऐसा सुनने जैसा, जीवन में सब बहुत कुछ बदलाव आने लगा। आगे भी हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसे गुरुवर मिले जो हमें ज्ञान की गंगा बहाने वाले गुरुवर मिले। हमारे बोलने में कुछ टूटी हुई, सुबह का स्वाध्याय, ये आराधना भवन बहुत सुबह सुबह गूंजेगा। दौड़ कर भाग कर यहाँ आते थे स्वाध्याय और प्रवचन के लिए। इन 18 पाप स्थानों को मैं प्रतिक्रमण करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पाप मन आते, पाप स्थानक आते, मन में भ्रम होने लगता है कि पापों से डर है। गुरु भगवंतों के चरण में कोटि शिव वंदन। हम तो कच्ची मिट्टी थे के थे, चंदन बना दिया, कांच की सूरत थे, मणि कंचन बना दिया। ये मेहरबानियाँ कभी भूला नहीं पाएंगे आपको पारस, जिसने कुंदन बना दिया। ऐसा नहीं कि हम सहते नहीं हैं, बस दिल का अर्ज हम कहते नहीं हैं। जब से आपकी विदाई की खबर सुनी है, बस तब से हम थोड़ा खुश रहते नहीं हैं। विदा होकर आज यहाँ से चले जाएंगे, पर आशा है यही कि आप जहाँ भी जाएंगे खुशियाँ ही पाएंगे। हमसे जो भी गलती हुई है हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मिच्छामिदुक्कड़म करते हैं और हम जय गुरु जय गुरु। अब मैं ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ जिसका यह चतुर्मास लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसके अलावा जयपुर से यहाँ बाड़मेर तक जो गुरु भगवंतों के साथ रहे हैं। श्रीमान सोहन जी संखलेचा से निवेदन है, आगे पधारें और अपने भाव व्यक्त करें। सोहन जी संखलेचा। आज विदाई की वेला, 4 महीने तक जो कुछ सुना, जो कुछ पाया, उसका लेखा जोखा आप सबसे निवेदन है कि आज अंतिम दिन जो विदाई की वेला है, अब विदाई तो क्या दिनों से सिमट के घंटों में आ गई है। समय कैसे हाथ से फिसल गया, 4 महीने कैसे यूं ही चले गए कोई पता ही नहीं चला। क्या खोया और क्या पाया, खोने में हमारे पास कुछ था नहीं, पाने में बहुत कुछ था, लेकिन किसने कितना पाया
ये तो वही जाने। कई लोगों के ये विचार थे कि सोहन जी चातुर्मास लाए। देखिए ये सत्य नहीं है। चातुर्मास हमेशा संघ को मिलता है, व्यक्ति को नहीं मिलता है। संघ की विनती को स्वीकार करके गुरु महाराज ने जो उपकार किया हमारे पे, बहनें थोड़ी अपनी बातों को विराम दे दें, हलचल कम कर दें। साथ में सभी गए थे, गुरु महाराज की इतनी कृपा बरसी कि हम कभी लाइन में भी नहीं थे इस विनती में, लेकिन प्रतिकूलता के चलते और परम पूज्य प्रथम सागर जी महाराज साहब की शारीरिक प्रतिकूलता के भी चलते हमारे संघ की विनती को मान लिया और हम पे ये बहुत बड़ा उपकार कर दिया, जो उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी संघ पे ऐसी कृपा बनाए रखेंगे। इस चातुर्मास में परम पूज्य मरुधर ज्योति मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब जो अभी जयपुर में विराजमान है मोहनबाड़ी में, उनकी भी बड़ी कृपा रही। उन्होंने भी गुरु भगवंत से कहा कि बाड़मेर संघ अपना संघ है, आपको जाना चाहिए। प्रतिकूलता थी लेकिन उनकी बात को नहीं टाल सके और उन्होंने ये चातुर्मास हमको दिलाया। उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज साहब के बारे में तो क्या बोलना, इतने जुझारू है, मतलब किसी भी करने कोई चीज़ को ठान लेते हैं करने की तो पीछे नहीं हटते हैं और इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं। आप सब गवाह हैं इस बात के कि हर संडे को आपको एक नई थीम मिली थी, हर संडे को नई थीम, और वो उनकी सोच का परिणाम था जो आपको यहाँ स्टेज पे रोज दिखती थी। हर संडे एक नई थीम, मतलब वाणी के माध्यम से तो आपने सब कुछ दिया लेकिन दृश्य के माध्यम से एक एनवायरनमेंट खड़ा किया, कभी चेहरे पे सिकन नहीं और कोई वहाँ को नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस अपने में मस्त और अपने कार्यक्रम में मस्त। ऐसे गुरुदेव को मैं वंदन करता हूँ। गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद हमारे संघ पे हमेशा बनाए रखिए। परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज साहब ने आप सब को जो प्रसन्न वाणी से यहाँ चार महीने तक जिन वाणी को सुनाया उससे आप लोगों ने जो कुछ भी पाया आपके समक्ष है उसको कहने की जरूरत नहीं है। इतने सरल हृदय और हसमुख चेहरा, हमेशा हसमुख रहते हैं। हाँ आने में जरूर थोड़ी बहुत नाटक किए थे, नौटंकी की थी थोड़ी सी। मैं नौटंकी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इच्छामी दुगड़ो महाराज साहब, क्योंकि जयपुर से हम जैसे ही निकले जयपुर की सीमा से बाहर हुए, अरे भैया मेरे से तो नहीं चला जा रहा, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो कंधा दर्द कर रहा है, अब भैया मैं तो महाराज साहब को फ़ोन लगाओ, भैया मैं तो अभी यहीं रुकने वाला हूँ, आप दूसरे किसी को भेजो, विवेक सागर जी महाराज साहब आप चले जाओ ना, क्या है ऐसे ऐसे बोलते थे। तो पूज्य विवेक सागर जी महाराज साहब थोड़ा फुसलाते, थोड़ा पुचकारते और थोड़ा बूस्ट करते, तो ऐसे करते 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 ब्यावर आ गया। ब्यावर में आकर फिर अरे ब्यावर चातुर्मास है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, किसी और को आगे भेज देंगे, विवेक सागर जी महाराज साहब आप थोड़ा देखो ना। विवेक सागर जी महाराज साहब फिर फुसलाते, फिर कुछ लॉलीपॉप देते, फिर कुछ ऐसे पुचकार के जोधपुर तक आए और वहाँ पांव जमा दिए, खड़े कर दिए, बस अब मैं आगे नहीं चल सकता भाई, अब तो मैं गुरु महाराज के पास में रह जाऊँगा। आप तीनों ही ठीक है ना यार, तीन ही चले जाओ ना, क्या दिक्कत है महाराज साहब, आप जाओ ना। ऐसे करते 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 फिर फुसलाया, फिर पुचकारा, क्या यार चलो नाकोड़ा दर्शन तो कर लो फिर बावले वापस आ जाना। चलो ठीक है महाराज साहब, टाइम है अभी गुरु महाराज आने में, तो मैं नाकोड़ा दर्शन कर लेता हूँ। अब वो नाकोड़ा पधारे, उसके बाद में अब क्या है कि बाड़मेर की इमेज ऐसी बन चुकी थी कि बाजरे का सोगरा, वहाँ लोगों की भाषा समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ये वो सब चीज़ें अब उनको इतना परेशान कर रही थी भीतर से कि वो उनके पाँव आगे चल ही नहीं रहे थे कि यार बाड़मेर क्या पता कैसे होंगे।
कैसे होगा चातुर्मास, क्या करेंगे वहाँ पे, ऐसे करके उनकी वो मानसिकता बनी। तो पुरुष उनको फिर भी विवेक सागर जी महाराज साहब फिर धीरे 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 सहलाते हुए, पुचकारते हुए, फुसलाते हुए, चलो 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 एक बार चलते तो हैं, देखो आगे क्या करना है, ऐसे करके ले आए। हंसते हंसते देखिए बाड़मेर कोई भी आता है, हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी भी पहले आते थे ना, तो बाड़मेर रोते रोते आते थे कि काले पानी की सजा है, लेकिन यहाँ से जाते थे ना तब रोते रोते जाते कि यार हमारे को यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रसन्न सागर जी महाराज साहब का भी वही हाल है। क्यों महाराज साहब, सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं है ना? तपस्वी रत्न सुमधुर कंठ के धनी, शारीरिक प्रतिकूलताओं के चलते भी तपस्वी इतने कि 125 दिन में लगभग लगभग 70-75 दिन तो तपस्या ही चली। ऐसे मैत्री वर्धन सागर जी महाराज साहब जो स्वनाम धन्य मैत्री, सभी जीवों के प्रति मैत्री रखने वाले, सज्जाए में तो उनका कोई मुकाबला नहीं और भजनों में तो क्या छाप छोड़ते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में वंदन। 50 साल के युवा परम पूज्य जीतवर्धन सागर जी महाराज साहब जो करोड़ों की संपत्ति को एक मिनट में यूं दोनों हाथों से लुटा के पूरे परिवार सहित दीक्षित हो गए, जो सेवा में सबसे अग्रणी हैं और निश्चल, मतलब कोई माया नहीं, कोई शल्य नहीं, निखालिस्ता इतनी है कि जो अंदर है वो बाहर, वो सभी में है, सभी में है। कल भी जैसे बोले परसों तो स्वीकारोक्ति की भी मेरे में, मेरे को तो नवकार मंत्र भी स्पष्ट रूप से नहीं आता है, आता था लेकिन यहाँ आके इन 6 महीनों में 2 प्रतिक्रमण याद कर लिए, और याद क्या कर लिए, करवाते भी लोगों को। ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और जो उपकार आपने हमारे बाड़मेर संघ पे किया है वो हम कभी आपका उपकार भुला नहीं पाएंगे। मैं बाड़मेर वासियों की ओर से, ट्रस्ट मंडल की ओर से, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी आपसे क्षमा चाहूँगा कि विहार व्यवस्था को लेके, यहाँ आहार व्यवस्था को लेके, आपके ज्ञान ध्यान स्वाध्याय को लेके कभी ऊंची आवाज़ में या आपकी कभी अवज्ञा की हो, अवहेलना की हो, असाधना की हो, आप हमारे किसी भी कृत्य से आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मैं संपूर्ण ट्रस्ट मंडल की ओर से, बाड़मेर संघ की ओर से, और मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी आपसे त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुग्गणम मिच्छामि दुग्गणम मिच्छामि दुग्गणम करता हूँ, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिच्छामि दुग्गणम चाहता हूँ कि संचालन के माध्यम से, सेवा कार्य से जुड़े होने के कारण वाणी व्यवहार से आपके हृदय को ठेस पहुँची, और विशेषकर मात्र शक्ति से मैं मिच्छामि दुग्गणम करूँगा कि आपके हृदय को कभी दुखाया हो, मेरे किसी भी व्यवहार से आपके हृदय को ठेस पहुँची हो, तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुग्गणम। इस चातुर्मास में यूं तो सभी का सहयोग रहा, लेकिन जिनका विशेष सहयोग रहा उनका आज मैं नामोल्लेख करना चाहूँगा। ट्रस्ट मंडल की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं हमारे नेमसा मालू गोठी इवेंट वाले, जो महाराज साहब के कल्पना में थीम आती कि ये थीम देनी है, ये दृश्य देना है, और इस प्रवचन के साथ में ये दृश्य उपयोगी रहेगा तो भावों से लोग जुड़ेंगे, वो कल्पना को साकार करने का काम नेमसा मालू ने अपना पूरा खजाना खोल के रख दिया कि महाराज साहब मेरे पास ये खजाना है, आप जो चाहो उपयोग में लो, और निस्वार्थ भाव से बिल्कुल एक पैसा लिए बिना उन्होंने ये सारी व्यवस्था की। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना और संघ की ओर से उनका खूब खूब आभार। हमारे जीतू भैया तातेड़, ये भी हमारे तातेड़ खानदान के दैदीप्यमान सितारे हैं, इनकी जितनी अनुमोदना की जाए कम है। इन्होंने वयावच में अपनी टीम के साथ में मिलके
धनसुख भैया, दीपक भाई, हर्ष, राहुल तातेड़ और भी कई सारे नाम है, और एक बच्चा भी आता था एक जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मिलन, भरत भैया, ये सभी लोग बहुत बखूबी, और इनके रहते मैं बिल्कुल फ्री हो गया। इन्होंने जो व्यवस्था संभाली तो उसके रहते मैं बिल्कुल इतना फ्री हो गया कि मत पूछो आप। आपकी खूब खूब अनुमोदना। चंद्र प्रकाश छाजेड़ जो मीडिया के साथ साथ बाकी सारे कार्यक्रमों को अंजाम देते थे, हमारे एक इशारे से, एक फोन से वो सारा काम ऐसे जल्दी मिनटों में सपटाते थे, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब आभार। मोहित लुनिया विहार ग्रुप का चेयरमैन, उसको तो हम कुछ भी बोल देते थे, कभी ऊंची आवाज में नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए वो सभी काम मिनटों में निपटा देता, बहुत बहुत अनुमोदना। ललित मालू, ये हर काम में हरफन मौला, कोई भी काम बता दो ललित तैयार है। अशोक भुनिया, इसने वीडियो और फोटो वोटो जो भी खींचे उनको पूरे दुनिया में प्रसार प्रचार करने का पूरा काम किया, और रक्षा मालू ने भी बहुत सहयोग किया, शुरू से आज तक वीडियो बना के रोज यूट्यूब पे अपलोड करती है, और भी कई सारे कार्यक्रमों में रक्षा ने सहयोग किया, बहुत बहुत अनुमोदना सबकी, संघ की ओर से सबका आभार। विनोद कोटड़िया, सोनू वडेरा, हर्षा कोटड़िया, इन सब ने, पूजा सायर आदि सब ने जो सहयोग दिया, संघ की ओर से सबका खूब खूब आभार, सबकी अनुमोदना। जिन शासन विहार ग्रुप ने विहार व्यवस्था में सहयोग दिया, साथ ही यहाँ के कार्यों में भी सहयोग दिया, और अभी और विहार में साथ में रहेंगे, सहयोग करेंगे, उनकी भी खूब खूब अनुमोदना। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शुभ वंदन। संक्षिप्त में बात करूंगा लेकिन जो जरूरी है वो करूंगा, संक्षिप्त में बात करूंगा लेकिन जो आवाज कम आ रही है। देखिए, माइक नजदीक रखने से आपको मेरी आवाज साफ आनी चाहिए, आपका कान भी नहीं कटना चाहिए, जोर से बोलने से यह कोई मैदान नहीं जीतना है, मैं जो बोलूं वो आप तक पहुंच जाए। गुरुदेव के चरणों में कोटि शुभ वंदन। गुरुदेव, खरतर गच्छ का चौहत्तर वर्ष का एक व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा है जिसने 1973 से और अगले वर्ष पूरे 50 साल यानी 49वां ये चातुर्मास है गुरुदेव, और इस बीच आचार्य भगवंतों से लगा करके और सभी साधु संत यहां पधारे। गुरुदेव, हम जीत गए, अगर आप सुने तो कोई बात करूं, क्योंकि मुझे सुना ना तो है नहीं। गुरुदेव, हम जीत गए, हम जीत गए, ये शब्द है परम पूज्या प्रवर्तनी श्री विचक्षण श्री जी के। अंतिम समय में उनके यह बहुत बड़ी एक गांठ थी और मवाद चल रहा था कंटिन्यूअस। मैं जयपुर में 2 महीने वहां था उनके पास, वह मैंने जड़ और चेतन के भेद को देखा गुरुदेव, कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। और अंत में जब उन्होंने एक लाइन कही, उन्होंने कहा हम जीत गए, यानी शरीर उद्गल हार गया और आत्मा विजयी हो गई। गुरुदेव, इस चातुर्मास को ला करके बाड़मेर संघ जीत गया है, हम जीत गए हैं, खरतर का संघ जीत गया है, यह हमारी जीत है। और जीत भी इसलिए है, चतुर्मास खरतरगंज की चातुर्मास कमेटी लाती है, कुछ लोगों के चातुर्मास नहीं होते, इसलिए अभी मुकेश जी ने एक बात कही थी कि यह मच्छर थे, इस चातुर्मास में कई मच्छरों ने काटने की कोशिश की,
लेकिन गुरुदेव जहां विवेक हो और जहां मैत्री भाव हो और जहां धर्म और दर्शन का तेज हो और सारी स्थितियां जब प्रसन्न हो जाए तो फिर उन चीजों का जिंदगी में कोई असर नहीं होता। तीन चतुर्मास इस कमेटी ने करवाए। सबसे पहला चतुर्मास जो हुआ वो गुरुदेव बताओ कुशल मुनि जी का चतुर्मास हुआ। गुरुदेव कुशल मुनि जी की प्रति रूप मूर्ति आप जो है जिन्होंने 44 आग्नों को स्वयं पढ़ा है, पढ़ने वाला व्यक्ति अगर इस संघ को सानिध्य देता है तो उसके बाद फिर मृगावती जी पधारे और उसके बाद ये जो तीसरा चतुर्मास है राजनीति से बिल्कुल दूर, जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं, यहां तो पूरा सकल संघ सबके लिए एक सम्मान है और सब लोगों का यानी गुरुदेव का आत्म कल्याण और उसके साथ में संघ का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, ये तीनों चतुर्मास गुरुदेव हमने ऐसे ही करवाए हैं क्योंकि अब आत्म कल्याण की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। गुरुदेव मैं भी जोधपुर में परम पूज्य गुरुदेव से मिला था, महेंद्र सागर जी माना साहिब से। उन्होंने कहा संघ का हुक्म बड़ा होता है, संघ का निवेदन था, संतों को भेज दिया, अब उनकी काबिलियत है कि वो जीत करके मैदान आते हैं या फिर जैसी तैसी जीत ले आते हैं या फिर चतुर्मास पूरा करके आते हैं। गुरुदेव मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये चतुर्मास क्रिकेट की मैं कैसे नहीं कहता जो आप बोल गए वो नहीं बोलूंगा, ये चतुर्मास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच होता है और जब इंडिया जीतती है तो वो जश्न जो होता है वो जश्न आपने अध्यात्म के क्षेत्र में बांटने को दिया है। गुरुदेव ये चतुर्मास मामूली चतुर्मास नहीं, ऐतिहासिक चतुर्मास तो सब हो गए। जब आप यहां पधारे किसी की 6 महीने की दीक्षा पर्याय, किसी का 2 साल का, 5 साल का, इतने बड़े संघ को कैसे संभालेंगे? आज मूल्यांकन की घड़ी है, कैसे संभाला है ये तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव इस चतुर्मास में कुछ मिथक टूट गए, साध्वियां साथ में नहीं है, बालियों को कौन प्रतिक्रमण कराएगा, कौन क्रिया कराएगी? जिन कांति सागर सूर्य सर जी के 4 चतुर्मास में कौन सी साध्वियां साथ में थी? लेकिन ऐसे शानदार और ऐतिहासिक गरिमामय चतुर्मास हुए गुरुदेव, इसलिए ये मिथक भी टूट गया। रही सोम जी की बात, गुरुदेव संघ निर्णय लेता है, चतुर्मास कमेटी व्यवस्था करती है और अगर सोहन जी के पीछे कोई आई है तो वो मैं खड़ा हूं, अदरवाइज सोहन जी कई बार पीछे हट गए कि नहीं, लोग कहते हैं कि ये चतुर्मास लाते हैं, सोहन जी चतुर्मास नहीं लाते, एक श्रावक का कर्तव्य पूरा करते हैं। कारण ये है कि पहले जब हम लोग आगे थे तो हम विनती करते थे, अभी सोहन जी ने अपना पूरा जीवन साधु संतों के समर्पित कर दिया है, इसलिए उनका सबसे संपर्क है और संपर्क में भी हमारी कुछ बंदिशें हैं कि उन्हें ले आइए जो हमारा आत्म कल्याण कर दे। सक्षम गुरु नहीं है तो गुरु तो डूबेगा, चेला भी डूबेगा, इसलिए गुरु का सक्षम होना, सदगुरु होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ये भी बात हो गई। उसके बाद ये चौमासा कमेटी तो ऐसी है, इनको मालूम ही नहीं है कि कौन साधु अच्छे हैं, कौन ठीक नहीं है, चौमासा किसका कराए किसका नहीं कराए, ये हम आपको पूछेंगे क्या? ये 3,000 घरों की बस्ती में 2,200 घरों का खतरगज जिसे हिंदुस्तान पूछता है, खतरगज बाढ़ में किसी को नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ चतुर्मास करने के लिए लाइने लगी है, लालायित रहते हैं, बाड़मेर वो कराता है जो बाड़मेर को दे जाता है। इसलिए गुरुदेव आपने जो बाड़मेर को दिया है, बाड़मेर
युगों युगों तक आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने श्रव्य और दृश्य इसको समझने की कोशिश करिए। अब तक केवल हम भाषण सुनते रहे और इस बार भाषणों के साथ में फिल्म भी चलती रही, इसलिए जब हम सुन रहे हैं और वैसा का वैसा देख रहे हैं। खूब सारे प्रतिक्रमण कर दिए गुरुदेव, लेकिन प्रतिक्रमण का मतलब ही नहीं आया। इस कल्प सूत्र को जीवन भर सुनते रहे, लेकिन गुरुदेव कोई सूत्र अभी तक आया नहीं। लेकिन आपने जिन जड़ों को सींचा है, और वो जड़ें मैं बोलूं या नहीं बोलूं महत्वपूर्ण ये नहीं था। महत्वपूर्ण ये था गुरुदेव कि अभी कुछ बहने जिन्हें भाव विभोर हो रही थी, बहने गुरुवर्या मनोहर श्री जी, गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी, गुरुवर्या चंद्र प्रभा श्री जी, शशि प्रभा श्री जी, हेम प्रभा श्री जी, सुदर्शना सुलक्षणा दी जी, यानी साध्वी, ये जो बड़ी बड़ी साध्वियां रही, ये इंडिया लेवल की साध्वियां हैं सभी, इनके चातुर्मासों के विदाई समारोह में बहनों को हमने भाव विहल होते देखा है। लेकिन गुरुदेव, संतों के चतुर्मास में अगर कोई भाव विहीन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वाणी केवल आराधना भाव में नहीं रही गुरुदेव, आपकी वाणी लोगों के दिल दिल दिलो दिमाग तक पहुंची है। मैं गुरुदेव, अभी आप फरमा रहे थे इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, मैं केवल चार बार आया हूँ और मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने एक काम किया कि खरदर का संघ के साथ में हम खड़े हैं और हम चतुर्मास ला रहे हैं, हमारा काम इतना। अब काम तो युवा पीढ़ी करेगी। और दूसरी बात, आज जितने भी बच्चे बोल रहे थे, युवा बोल रहे थे, बेटियां हमारी बोल रही थी, गुरुदेव ये पहला अवसर है, बेटियां तो फिर भी गीत गाती रही है, बोलती रही है, लेकिन आज जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सच्चा जीवन यही है। और जब सक्षम गुरु मिलते हैं तभी रास्ता प्रशस्त होता है, रास्ता मिलता है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। गुरुदेव, इस चतुर्मास में आपका हमें जो आशीर्वाद मिला, हम आभारी हैं, भागवत खतर का संघ आभारी है गुरुदेव का, जिन्होंने ये चतुर्मास हमें प्रदान किया। हम आभारी हैं आपके कि आपके यहां से, इस समंदर से जो भी प्यासा आया वो अपनी प्यास बुझाकर चला गया। अभी भी प्यास बाकी है, बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्यास बाकी रहनी चाहिए, इसलिए संतों के विहार जरूरी है, तभी तो आप कहेंगे कि दूसरा चतुर्मास आपका होना चाहिए। गुरुदेव, खत्र दसंग की इच्छा है, पूज्य गुरुदेव से हम विनती करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, खतरगज का वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते चतुर्मास कमेटी, इस बार हमारे जो अध्यक्ष जी प्रकाश जी हैं वो अस्वस्थ रहे, कुछ अभी भी अस्वस्थ हैं, लेकिन अस्वस्थता के बावजूद भी इतनी सारी व्यवस्थाएं हुई। मैं कमेटी से ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी तेजी लाएं ताकि जल्दी नाम आ जाए, नए नाम मांग लें, कमिटी बने, क्योंकि मार्च तक सारे चतुर्मास फाइनल हो जाते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो इसी चतुर्मास कमिटी को अगले चतुर्मास के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। और जैसे ही कमिटी बने आप अपना हैंडओवर कर दीजिए। और हमारी इच्छा रहेगी कि गुरुदेव स्वयं बाड़मेर में पधारे, वो दिन कितना हर्ष 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 और विजय वर्ष होगा, गुरुदेव आप भी देखेंगे और हम सब देखेंगे। आप सभी को, सकल संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस बात के लिए कि ये जो जीते हैं हम लोग, चतुर्मास जो हमारा हुआ है, गुरुदेव सीबीआई इंटेलिजेंसी ये सारी हमने पीछे लगा रखी थी। मैं घर पे जरूर बैठा हूँ लेकिन पल पल का अपडेट ले रहा हूँ, लोगों से मिल रहे हैं, हम बहनों से बात करते हैं, भाइयों से बात करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब भवनलाल जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये शंकर जी बैठे हैं, हमारे जेठ मन जी बैठे हैं, इन सब से पूछता रहता हूँ चौमासा कैसे चल रहा है, प्रवचन कैसे चल रहा है, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाप जी बाड़मेर खतर का संज्ञा कौन कौन ही है, अच्छा रोटी जीमा ले आओ तो वो पाछो ले आओ ना,
या सबको कम है, पट्टे तोल खा तो नहीं है, लेकिन आप उसमें खड़े उतरे और नील के पत्थर साबित हुए गुरुदेव। आपने जो झंडे गाड़े हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खतर के सन पर एक बड़ी कृपा रहेगी। अब रही मिच्छा मिधिभ्रम की बात, चार बार आए बात मामूली सी हुई, आपसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। जिनसे मिच्छा मिधिभ्रम करना है उनसे तो हम करते नहीं, और जिनसे नहीं करना उनको मिच्छा मिधिभ्रम किए जा रहे हैं। गुरुदेव इस पर आपका प्रवचन होना चाहिए कि जहां जरूरत है उसको मिच्छा मिधिभ्रम करिए। मैं आजकल कम जाता हूं, इसलिए कम जाता हूं साधु संतों के पास, क्योंकि बहुत खरी बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं, क्योंकि मैंने गुण 50 चतुर्मास देख लिए हैं, और बड़े बड़े आचार्यों से लेकर के बड़ी बड़ी साधियों के साथ में हमने उनकी सेवा में रह करके वो मुकाम देख लिए। इसलिए अब न तो हमें कोई लेना है, ना नाम है, ना काम है, ना दाम है, बस खतर का संग हमेशा आबाद रहना चाहिए, जय श्री संघ का उस पर आशीर्वाद बना रहना चाहिए, और ऐसे भगवंतों के चातुर्मास हमें हर बार मिलते रहने चाहिए। गुरुदेव आप भी डर गए थे जब आपको कहा कि साहब पौनी है पौनी, कोठे बाजरे का मोगरा है, कीकर जाओ ना, कीकर खाओ ना, कीकर रहो ना, ये भी मिथक आपका टूटा है। और अब यहाँ से और जो बाड़मेर संघ से विजयश्री होकर के लौटा है वो फिर पूरी दुनिया में कहीं अटका नहीं है, कहीं पर भी अटका नहीं है। इसलिए जयकारे बोलिए, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। थे भी जानो करे आया, वही जानो करे आया, रोटी खाए कोई को नहीं आया। अगर आवाज आपकी बाहर नहीं जाएगी तो मालूम क्या पड़ेगा कि कोई चतुर्मास होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, दादा गुरुदेव महेंद्र सागर जी की, और परम पूज्य गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज की। गुरुदेव आप सभी से मिच्छामि विक्रम, गुरुदेव मिच्छामि विक्रम करते हुए आशीर्वाद केवल केवल और केवल